स्वागत है आपका फार्मिंग एंड डेयरी यूट्यूब चैनल पर। आज मैं जो हूँ इस वीडियो पर मियाँ जा की प्लांट जो है कैसे लगाते हैं उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। इस चैनल यूट्यूब चैनल पर जो है फार्मिंग एंड डेयरी से रिलेटेड वीडियो मैं लाता रहता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों बात करते हैं मियाँ जा की प्लांट का। मियाँ जा की प्लांट जो है मैंगो प्लांट है, इस वेराइटी का जो आम है ये बहुत ही महंगा बिकता है। ये हज़ारों में बिकता है और लाखों में बिकता है इसका जो 1 किलो आम जो है। तो इसके लगाने के लिए बहुत सारे किसान भाई चाह रहे हैं। इसको कैसे लगाते हैं, इसको इसकी जो स्प्रेयर सब जो है वो कैसे करना चाहिए, इसमें ज़्यादा फल कैसे लें, इसका फर्टिलाइजर क्या है वो, और इसको हम कहाँ से मंगा सकते हैं उसके आपको नंबर दूंगा। आप वहाँ से आप जो है मियाँ जा की प्लांट जो है मंगा सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि मियाँ जा की प्लांट क्या लगाना है। ये जो है जापानीज का वेराइटी है, जापान में जो है आया था तो वही इस वेराइटी को निकाले हैं। तो अभी तक जो है ये इंडिया में सिर्फ एक ही आदमी लगाए हैं और सब जगह नर्सरी में बिक रहा है और सब का नहीं पता है, लेकिन पता है तो सिर्फ एक ही आदमी के बारे में। तो फिर अगर सभी जो किसान भाई लगाना चाह रहे हैं तो आप लोग अगर लगाना चाहते हैं तो फिर आप लोग जो है पहले जैसे आप एक आम का पेड़ लगाते हैं वैसे आप सिंपल तरीके से इसे नहीं लगाएं। ये थोड़ा हाइब्रिड किस्म का प्लांट है तो इसे भी हाइब्रिड तरीके की इसमें जो है फैसिलिटी चाहिए होती है। आप जो है एक गड्ढा खोल लें, साइंटिफिक मेथड से इसको इसकी खेती की जाती है। आप लोग जो है 1 मीटर गड्ढा खोल लें, 1 मीटर गड्ढा, ठीक है, गड्ढा खोद लें 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर डीप, ठीक है, गहरा। अब खोद लिए, उसमें जो है आपको सिर्फ वर्मी कंपोस्ट और जो है गोबर खाद ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ही सिर्फ डालना है आपको उसमें। आप उसमें डालकर ऊपर से मट्टी ढक कर आप बंद कर दीजिए। उसके बाद आपको फिर खोलिएगा, खोल के जो है उसमें फिर धूप लगाइए। फिर धूप लगाने के बाद जो भी आपका जो खाद था वो आप बाहर निकालिए। फिर जो है आप जो मैंगो प्लांट लाए हैं, ठीक है, उसको जो है आप डालिए। मट्टी डालने के बाद आप उसको डालिए। उसके बाद जो है आपको वाटर जो आप देंगे पहली सिंचाई में, आपको जो है उसमें एक एसिड आती है, ठीक है, जिससे कि रूट जो अच्छा विकास करता है, ठीक है, वो आपको एसिड जो है उसमें डाल देना है पानी के साथ मिला के। उससे क्या होगा, उसका रूट ज़्यादा अच्छी तरह से पकड़ जमाएगा उस ज़मीन पर और आपका जो पौधा अच्छी तरह से विकास कर पाएगा। अब वो लगाने की बात, अब जो इसमें जो है कैसे सिंचाई करें, तो आपको इसमें ड्रिप इरीगेशन करना है। ड्रिप इरीगेशन करने से बहुत अच्छा फ़ायदा होता है, एक तो वाटर पानी बचता है और जो वहाँ के जो मट्टी जो है उसमें नमी बनी रहती है हमेशा, ठीक है। और इसमें देखें आप जहाँ पे पानी जमा नहीं हो और जो है नमी मट्टी में नमी भी बनी रहे उस जगह पे आप देखें और मट्टी जो है उसका पीएच जो ज़मीन का पीएच है वो 6.5 से 7.5 तक होनी चाहिए। अब हो गई ज़मीन की बात और कैसे लगाना है इसकी बात हो गई। दोस्तों जैसे आप एक पौधे पे जैसे आप स्प्रे सब करते रहते हैं उसी तरह आपको इस पर भी स्प्रे करना है। फंगिसाइड का शुरू में इसमें फंगिसाइड लग सकते हैं तो आप इसमें फंगिसाइड का स्प्रे करें। जब पौधा संभालने लगे तो फूल झड़ने ऐसा वाली समस्या में आप उसमें स्प्रे कर सकते हैं। आप जो है ऑर्गेनिक अगर करना चाहें तो वो बहुत ही अच्छा है, अगर केमिकल भी करना चाहें तो ज़्यादा स्ट्रांग मत करें, आप थोड़ा कम ही स्प्रे करें। नहीं कि ज़्यादा कीड़ा है तो ज़्यादा स्ट्रांग नहीं, तो आप कम ही स्ट्रांग ज़्यादा नहीं करें। इस पर जो है नाजुक प्लांट है, आपको थोड़ा अच्छे से देखभाल करनी पड़ेगी। अब आपको जो है मियाँ जा की प्लांट का जो इसका मैंगो जो होगा इसका कहाँ से खरीदना है, तो आपको यहाँ पे नंबर दिख रहा होगा नीचे, आप जहाँ पे देख सकते हैं आप उस इस नंबर पे कॉल करके आप जो है प्लांट खरीद सकते हैं। 1500 रुपये प्रति पौधा आपको मिलता है, आपको ये ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी करते हैं, आप इनसे बात कर सकते हैं। दोस्तों मियाँ जा की प्लांट जो है एक जो हाइब्रिड किस्म है, इसका जो आम जो है इसकी आप रक्षा करें। बहुत को ऐसे चोरी कर सकते हैं, अगर चोरी कर सकते हैं तो आपको एक आम जो है हज़ारों और लाखों का नुकसान हो जाएगा। इसका एक आम जो है 900 से 1 किलो तक इसका वजन चल जाता है, इसलिए अगर आप लोग जो है अगर लगाते हैं इसके पेड़ को अगर आम आती है तो इसकी जो अच्छी तरह से आप सुरक्षा का व्यवस्था करके रखें। तो ये थी दोस्तों आप जानकारी में मियाँ जा की प्लांट के बारे में कैसे लगाना है इसके बारे में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो और कमेंट करना ना भूलें।